तो फाइनली गाइस आ चुके हैं दी वैक्सीन वार के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो भाई ये क्या किया भाई मेकर्स ने, क्या आपके हिसाब से भाई सही किया या फिर नहीं? ये वाला ऑफर गाइस मतलब सभी तब लाते हैं जब उनकी मूवी यार अच्छा खासा क्वेश्चन गाइस वो निकाल लेती है, एंड बाद में वो थोड़ा और मतलब क्वेश्चन निकालने के चक्कर में ये वाला ऑफर है गाइस वो लाती हैं। जी गाइस हम बात कर रहे हैं कि एक के साथ एक फ्री। जी हाँ, आपको बिलीव नहीं होगा कि यार केवल चौथा दिन चल रहा है यार, और चौथे दिन में ये वाला ऑफर, ये कैसे हो सकता है यार, आप झूठ बोल रहे हो। बट गाइस ऐसा हुआ है और ऐसा भाई मेकर्स ने अभी डिसाइड किया कि हम एक के साथ एक फ्री देंगे। हम बात कर रहे हैं भाई, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैक्सीन वार की, कि भाई आज ये वाला भाई पोस्टर आया कि एक के साथ एक फ्री टिकट मिलने वाला है वैक्सीन वार का। मिलने वाला नहीं है भाई, मिल रहा है केवल चौथे दिन में, और हम ये लास्ट में देखते हैं भाई सभी मूवीज जब क्वेश्चन अच्छा खासा निकाल लेती है। बट यहाँ पे कुछ सीन उल्टा ही चल रहा है, ये ऐसा मेकर्स को इतना जल्दी क्यों करना पड़ा यह सभी जानते ही हैं कि ओप्पो साइड में धमाकेदार मूवीज चल रही हैं और अपनी ओर खींचो भाई, और अपने ऊपर मतलब कैसे खींचना है। तो भाई एक के साथ एक फ्री ऑफर लाओ तो पब्लिक भाई भागे चली आएगी। तो ये भाई किया अभी मेकर्स ने, देखते हैं भाई कितना बेनिफिट इनको मिलता है या फिर नहीं। और इसमें भाई आप सभी का क्या कहना है कि क्या ये सब करना आपने चौथे दिन में ही सही था या फिर नहीं? एंड यस अभी बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। देखो भाई वैक्सीन वार की बात करूँ तो इसको अच्छे खासे रिव्यूज़ तो मिले थे, बट ये क्रिटिक्स लोग हो गए भाई, मतलब उनकी तरफ से ये रिव्यूज़ अच्छे मिले थे। अगर आप आम पब्लिक रिव्यूज़ देखोगे भाई तो भाई यार मामला थोड़ा ख़राब आया। मैंने तो मैक्सिमम देखे हैं कि रिव्यूज़ थोड़े ख़राब आए हैं। अगर आप आम बंदे के रिव्यू देखोगे, क्रिटिक्स के अच्छे रिव्यूज़ निकल के सामने आए थे, बट मूवी यार उस मतलब कुछ ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं निकाल पाई है। मेरे माइंड में था कि भाई जैसे कश्मीरी फाइल्स के साथ हुआ था कि स्टार्टिंग से थोड़ा ठंडा ठंडा रहा और बाद में रफ्तार पकड़ ली, वैक्सीन वार में कुछ इस तरह करेगी, बट गाइस ऐसा नहीं हुआ है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन गाइस हम वो भी बता देते हैं साथ साथ में। पहले दिन 85 लाख मैंने सभी को बता दिया था, दूसरे दिन 90 लाख मैंने कल बताया था भाई, अर्ली एस्टिमेट आ रहा है कि 5-6 लाख ज़्यादा कर सकती है कंपैरिजन टू डे नंबर वन, जो कि गाइस बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एंड सैटरडे की फिगर आई है 1 पॉइंट लगभग यहाँ पे 1.75 करोड़ की, 1,75,00,000 की फिगर आई है, जो कि लगभग 95% जंप है गाइस हमें देखने को मिला कंपैरिजन फ्राइडे टू सैटरडे, बड़ा जंप है गाइस हमें देखने को मिला है, जो कि इसका टोटल अभी तक हो चुका है, जो कि ओवरसीज से 20 लाख फिगर आई है, तो अभी तक 4.35 करोड़ क्रशन गाइस वो कर चुकी है अपने 3 दिनों में सैटरडे तक, 4.5 करोड़ यार वर्ल्ड वाइड में, इतने ज़्यादा भी नहीं है यार, बजट तो काफ़ी कम है, बट थोड़ी ज़्यादा उम्मीद रहती है। अनुपम खीर है, नाना पाटेकर, चलो हो गया सो हो गया यार, एंड अभी पब्लिक ज़्यादा भाई इंटरेस्टेड नहीं है, और शोज भी भाई अच्छे खासे, ऐसा नहीं है कि शोज नहीं है इसके पास भाई, ठीक ठाक शोज़ हैं। मुंबई में 357 शोज़ हैं, एंड शहर में 350 शोज़ हैं, पुणे में 117, बेंगलोर में 125, हैदराबाद में 97, कोलकाता में 105, अहमदाबाद में 203, भाई शोज़ की कोई कमी नहीं है इसके पास। जिस तरह क्वेश्चन कर रही है सिंगल डे में उसके हिसाब से शोज़ ये काफ़ी ज़्यादा है भाई, 3500 के आसपास शोज़ हैं, और 3500 शोज़ में भाई 85 लाख 1 करोड़ क्वेश्चन करना जो कि काफ़ी कम नंबर है मेरे हिसाब से भाई, देखते हैं। बाकी आज की बात वाइज तो सुबह की 11% ऑक्युपेंसी आई, जो कि कल 10 थी, थोड़ा सा जंप दिख रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि भाई आज 2.30-2.5 करोड़ के आसपास क्वेश्चन गाइस वो निकाल लें, कि भाई अभी मंडे का दिन है, कल भी छुट्टी है, तो कल भी क्वेश्चन इतना ज़्यादा ड्रॉप है गाइस वो नहीं होगा। तो फिलहाल गाइस अभी के लिए तो इतना ही है, एंड बाकी गाइस इसमें आप सभी का भाई क्या कहना है, जो अभी हुआ है क्वेश्चन काफ़ी धीमा चल रहा है अभी, एंड दूसरे और जो ऑफर लाए उन्होंने, जो भी भाई आप सभी का कहना है भाई यस बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब क्या करो यार, जल्दी करो सब्सक्राइब, गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।